भाइयों और बहनों, भाग्यशाली होता है वह पुरुष, भाग्यशाली होती है वो नारी जिसको सनातन संस्कृति के आधार स्तंभ से जुड़ने का अवसर मिलता है। भाग्यशाली लोग होते हैं जो सनातन धर्म में जन्म लेते हैं और सनातन धर्म में जन्म लेने के बाद वह सनातन धर्म की जड़ गो माता से जुड़े रह जाएं, ये बहुत भाग्य की बात है। जीव तो सृष्टि में बहुत है, उनमें से मानव महान है। दुर्लभो मानव देहा, मानव भी विश्व में बहुत है लेकिन भारत भूमि पर जन्म लेने वाले लोग महान हैं। भारत भूमि में भी वो लोग ज्यादा महान हैं जिन्होंने सनातन धर्म में जन्म लिया। सनातन धर्मियों में भी वो सबसे महान है, सबसे भाग्यशाली है जिनके जीवन में भगवान ने गौ सेवा दी है। क्योंकि जिसको गौ सेवा मिल गई, समझ लो उनको तो गोविंद मिला हुआ ही है। मिलेगा ये कहना भी ठीक नहीं है, जिनको गौ सेवा मिल गई उनको तो गोविंद मिला हुआ ही है। किसी को प्रकट रूप में मिला हुआ है, किसी को गुप्त रूप में मिला हुआ है, किसी को सुप्त रूप में मिला हुआ है, मिला हुआ तो है। तो हम सब अपने अपने बाल गोपालों को भी प्रेरणा दें, क्योंकि जो जवानी में लग गया सो लग गया, बुढ़ापे में तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है मेरे भाई बहनों। और तरुणाई जगत की तो ही तो बात बनेगी, भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की बात तो बहुत लोग कहते हैं, सब लोग कहते हैं, हम लोग भी कहते हैं, लेकिन हिंदू राष्ट्र बनेगा कैसे जब युवा आगे बढ़ेंगे तभी तो बात बनेगी ना। नव चैतन्य हिलो रे लेता जाग उठी है तरुणाई, हिंदू राष्ट्र निज दिव्य रूप में उठा पुनः ले अंगड़ाई। युवाओं के माध्यम से ही हिंदू राष्ट्र अपनी जगह से उठ पाएगा।